भी हम बस्तर में जहाँ जिस शहर में भी गए, जिस इलाके में भी गए, हमने ये इस तरह की मूर्ति देखी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मूर्ति है ये लगाई गई है कई चौक पे। ये बिरसा मुंडा हैं जो कि झारखंड के एक महापुरुष माने जाते हैं, लेकिन हर जगह की सरकार, खासकर छत्तीसगढ़ की सरकार, अब इनकी मूर्ति हर जगह लगा रही है। और इसका क्या मतलब है, इस क्या बताना चाह रही है? वरुण आइए, आइए आप, आइए, कहाँ चले गए आप, इधर आइए। तो वरुण ये बताओ कि जैसे हमने देखा कि कई जगहों पर ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर सरकार ने लगाई, पहले नहीं दिखती थी ये मूर्ति, ये बिरसा मुंडा जी की मूर्ति है, तो ऐसा क्यों कर रही है यहाँ की सरकार? ये मूर्ति लगाने के पीछे उनका क्या पॉलिटिकल एंगल है या कोई सांस्कृतिक एंगल है, किस वजह से ये लगाई गई है यहाँ पर? रवि जी, ये हो रहा है कि आदिवासी राजनीति का मतलब होता था जंगल, जमीन, डिप्राइव्ड एक कोई ट्राइब जो अपनी भुखमरी से का शिकार है या बहुत ज़्यादा बेसिक कम्युनिटीज से महरूम है, इस तरह की राजनीति को ही आदिवासी राजनीति कहा जाता था। लेकिन अब नए दौर में, नए वक्त में उनको एम्पावर्ड पॉलिटिकल एक उसके रूप में उनको उभारा जा रहा है, एक ऐसी ट्राइब, ऐसे लोगों का समूह जो राजनीतिक रूप से भी मजबूत है, सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत है और गौरवशाली परंपराओं के साथ चल रहा है। अब ये गौरवशाली परंपराओं को स्थापित करने के लिए करना क्या होगा, उनको उनकी इतिहास की ओर लेके जाना होगा। जैसे मध्य प्रदेश में हमने देखा टंटिया मामा जो भील जनजाति को बिलोंग करते हैं, उनको मध्य प्रदेश की सरकार ने महापुरुष बतौर वहाँ पेश किया और लोगों के बीच में उनकी स्वीकारता को बढ़ाया। ऐसे ही छत्तीसगढ़ और झारखंड में हम देखेंगे तो बहुत सारे जो ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर बिरसा मुंडा की हमको ऐसी मूर्तियाँ दिखाई। ये जो इनकी जो लेगेसी है, क्योंकि हर पार्टी जो है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो कहते हैं कि जी हम आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, उनके उनके अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बिरसा मुंडा को इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाने वाली कौन पार्टी नहीं, क्या दोनों का इसमें वो है कि या इस बार जो कांग्रेस सरकार रही उसने इस पे काम किया? नहीं, ऐसा किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रेडिट देना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि ये हैं तो जनजाति समाज के महापुरुष, जनजाति के भारतीय समाज के महापुरुष हैं, बस पर जो इनका आइसोलेशन था या इनका जो एकदम से अलग थे, जो एक मुख्य धारा, जिस कथित मुख्य धारा जिसको हम दिल्ली और मुंबई से देखते हैं, उस मुख्य धारा में नहीं थे, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया पिछले 10-12 साल से, महापुरुषों को जिस तरह से कार्व किया गया है या बढ़ाया जा रहा है, तो इसका थोड़ा माइनर क्रेडिट ये जरूर कह सकते हैं कि सैफरॉन पॉलिटिक्स को थोड़ा सा जाता है। तो ये इसमें ये समझ में आता है कि हमने ये पाया कि जो आदिवासियों का गौरवपूर्ण इतिहास को सामने लाया जाए, उनके बारे में उनकी कथाएं, उनके महापुरुषों के बारे में उनकी कथाएं बताई जाएं, उसका ये प्रयास है कि भाई आपको जो कि ऐसा माना जाता था कि मुख्य धारा से आदिवासी नहीं जुड़े हुए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का एक ये प्रयास हर सरकार कर रहा है, चाहे वो बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। आगे भी हम बढ़ेंगे बस्तर में, अभी हम कांकेर के शहर में हैं और हम यहाँ की राजनीति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और बढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर बस्तर के मन में चल क्या रहा है।